नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, जिससे हमें पता चले कि आप लोग हमारे वीडियोज को लाइक कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन प्राप्त होने के लिए आप बेल का बटन बगल में रखा हुआ घंटी जैसा उसको दबा दें। मित्रों, बात अच्छी लगे तो दूसरों से शेयर करें, ये चैनल आपका है और इसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है। मित्रों, बात करने जा रहे हैं 21 और 22 दिसंबर 2018। तो 21 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है और तिथि पड़ेगी चतुर्दशी, और शनिवार को पूर्णिमा पड़ेगी और तिथि ये पूर्णिमा तिथि होगी, उस दिन तारीख होगी 22। मित्रों, साल का आखिरी, अंग्रेजी साल का आखिरी, हमारा साल तो प्रतिपदा चैत्र शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। तो मित्रों, ये एक ऐसा संयोग लेकर के आया है, मार्गशीर्ष का महीना और उसकी भी पूर्णिमा। मित्रों, बहुत ही अच्छा संयोग आपका ये संयोग है, और पावन स्थान भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली जिसे कहते हैं वृंदावन धाम, तो भगवान की लीला स्थली पर अगर कोई साधना होगी, कोई दीक्षा होगी, कोई ज्ञान प्राप्त होगा, अपने आप में ये अविस्मरणीय घटना होगी जो उस पावन पर्व पर दीक्षा इत्यादि लेंगे, जो वहां पर कुछ सीखेंगे, वो जीवन भर काम आएगा, और जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदलेगी। एक मित्र ने कहा, सर जी वहां आने के लिए क्या कोई फीस है? मैंने फीस बताई, बोले बहुत महंगी। मैंने कहा कि महंगे और कीमती होने में अंतर है। 10 रुपए किलो वाला आलू अगर 100 रुपए किलो मिलेगा तो महंगा होगा, और सोना 33,000 रुपए 35,000 रुपए भी होगा तोला तो भी वो महंगा नहीं होगा, वो कीमती कहा जाएगा। आजकल का रेट लगभग यही चल रहा है, कमोबेश कम ज्यादा हो जाता है। तो सोना 10 ग्राम 33,000 से 35,000 रुपए का, वो महंगा नहीं है। आलू 100 रुपए किलो हो जाएगा तो महंगा होगा। इसी प्रकार जो अमूल्य ज्ञान आपको मिल रहा है, जो चीज आप वहां प्राप्त करने जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आप अपने जीवन की दिशा बदलने जा रहे हैं, आप अपने जीवन की दशा में परिवर्तन चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं जिसकी वजह से आप वहां आने की बात करते हैं, तो क्या ये सब यूं ही आपको प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हालांकि ये जो कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। एक सज्जन का फोन आया, बोले कि भाई कुछ लोग ऐसे ही रख लो, मैं जन सेवा करना चाहता हूं। तो मैंने कहा जन सेवा करने से किसने रोका आपको? तो बोले हमको, हमसे आप शुल्क मत लीजिए कोई, और हमें प्रवेश दीजिए, हमें शिक्षा दीजिए, मैं उसको सीख करके जनता का भला करूंगा। तो हमने कहा क्या हम जनता का बुरा करेंगे? हमने कहा आप आइए, हमारे यहाँ स्वागत है, आप हमसे नमस्ते कर लेना, 10 मिनट मेरे पास बैठ लेना, एक चाय पी लेना और चले जाना। तो बोले ऐसा कैसे बनेगा? हमने कहा ऐसा ऐसे ही होता है, आप जौहरी की दुकान पे जाइए, आप ज्वेलर्स की दुकान पे जाइए, सोने का रेट लेकर के आ जाइएगा, सोना तो आपको तभी मिलेगा जब आप सोने का मूल्य अदा करेंगे। खैर, ज्यादा उस पर क्या बात करनी, कुछ लोग ऐसे होते हैं। वैसे भी अच्छी चीजों की कद्र कितने लोगों को मालूम होती है? सभी को तो नहीं,
और जिनको मालूम होती है वो उसको लेने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, हमें यही कहना है कि 12, 21 और 22 दिसंबर के लिए बुकिंग शीघ्रातिशीघ्र करा लीजिए। 17 और 18 दिसंबर तक ही ये होगा, इसके बाद संभव नहीं होगा। तो जिनको आना है वो ज़रूर करवा लें अपना रिजर्वेशन, और तब आवें। मित्रों, आज हम नए एक टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग माता की पूजा करते हैं, माता के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। कोई 10 महाविद्या करता है तो कोई 9 दुर्गा करता है। 9 दुर्गा में 9 रूप अलग अलग होते हैं, शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, खष्टम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रिश्च महागौरी चाष्टमम, और नवम सिद्धिदात्री। नवमी जो देवी हैं वो माता सिद्धिदात्री है। यहाँ ये भी कहा गया कि 700 श्लोक हैं उसमें, सप्तशती का अर्थ होता ही है कि 700 श्लोक हैं उसमें, जिसको पूर्णतया बिरला ही कोई व्यक्ति कंठस्थ कर सकता है। और इतना जटिल विधि विधान है कि वो 3-4 घंटे से कम में अगर विधि पूर्वक किया जाए तो 4 घंटे तो लगता ही है। अगर विधि पूर्वक ना किया जाए तो वो जाने जो लोग ऐसा करते हैं। तो अब ये भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में बात हुई तो उन्होंने कहा कि हे देव, कुछ ऐसा बताइए जिसके द्वारा यह जटिल विधि विधान न करना पड़े और इस विधान को शॉर्ट में, मतलब कोई ऐसा तरीका है कि जिससे बहुत ही कम समय में कोई पाठ इत्यादि करके या किसी मंत्र का जप करके सफलता से सिद्धि प्राप्त की जा सके। कवच अर्गला और कीला की कुछ भी ना करना पड़े। भगवान शिव ने कहा कि हाँ देवी, है ऐसा, और इससे सारे कार्य खटकर्म सिद्ध होते हैं। मारल मोहन उच्चाटन वशीकरण इत्यादि जो भी स्तंभन इत्यादि जो भी होते हैं, सारे के सारे इसी से सिद्ध हो जाते हैं। तो रुद्रयामल तंत्र में इसका विधान है। रुद्रयामल तंत्र में उन्होंने कहा कि ऐसा एक विधान है जिसको करने से ये सभी के सभी मनोरथ सिद्ध करने वाली एक विद्या है। और उस विद्या को उन्होंने माता पार्वती से बताया भी कि ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, ये सिद्ध स्वयं सिद्ध है। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने मात्र से ही व्यक्ति को वो सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं जो कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से ही प्राप्त होते हैं। तो अब भारी जटिल विधि विधान से भगवान शिव ने एक छोटा विधान बताया कि यही कर लिया जाए, तो वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र काफी प्रचलित है, लोग करते हैं, लेकिन कुछ त्रुटियां उसमें हैं। मित्रों, बात ये होती है कि कोई विधि लिखी गई तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी छोड़ दी जाती है। आप जब पाठ करते होंगे दूसरी किताबों का, किसी का, आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं जानबूझकर उसमें कमी छोड़ दी जाती है जिससे उच्चारण शुद्ध ना हो सके और वो व्यक्ति केवल पाठ करता रह जाता है और फिर कहता है अरे ये तो सब गलत है। तो दूसरी बात ये कि केवल वो लिख दिया गया कि ऐसा करना है, लेकिन उसके जो मूल सिद्धांत हैं, मूल विधि विधान है, वो बचाया नहीं जाता। मित्रों, बात यह है कि किसी भी देव का, केवल माता का ही नहीं, किसी भी देवी या देवता का जब आप पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसमें गोपनीय कुछ विधियां होती हैं उस पाठ को या मंत्र को जागृत करने की। और जब तक वो जागृत नहीं है तो वो कार्य कैसे करेगा।
उसका जागरण करना अति आवश्यक हो जाता है और श्रापित होते हैं सारे के सारे मंत्र, तो इनका उत्कीलन करना अति आवश्यक होता है। इनका उत्कीलन अलग अलग मंत्रों का, अलग अलग स्तोत्रों का अलग अलग है, क्योंकि भगवान शिव ने ये समझ लिया था कि कलयुग में बहुत ही दुष्ट लोग पैदा होंगे और ये बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग करेंगे विद्याओं का, इसलिए उन्होंने बहुत सी जगहों पर उन्होंने कीलन कर दिया और कुछ विधियां महर्षियों ने छिपा दी। उनको अनलॉक करने के लिए, है ना, उनको उत्कीलन करने के लिए विशिष्ट विधियां हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब होने के बाद भी पूजा का एक विधान होता है, पंचोपचार होता है, खोडशोपचार होता है, 18 उपचार से भी पूजा होती है, 10 उपचार होता है। तो इन सब के बारे में यही कहा जाता है कि जब इन उपचारों के सहित, जब इनके सहित पूजन किया जाता है और मंत्र का अटैचमेंट तो उस देवी देवता के प्रति होना अनिवार्य है ही, और मुद्राओं का महत्व है, देवियों की, देवताओं की अलग अलग मुद्राएं होती हैं, उन मुद्राओं का प्रदर्शन अति आवश्यक होता है। और जब मंत्रात्मक ध्वनि जब आपके मुंह से उच्चरित हो रही हो, उस समय कुछ लय और कुछ धुन का स्वरूप होता है हर मंत्र का, हर स्तोत्र का। अगर केवल किताब में पढ़ा हुआ, इसीलिए मंत्र कहते हैं खराब होता है, खराब का मतलब बेकार इसलिए होता है कि उसमें तो अक्षरों का समायोजन मात्र लिखा है, अब उसकी ध्वनि कैसे होगी ये किसी किताब में बताई नहीं जा सकती। अब किसी बड़े संगीतकार के साथ रह करके रियाज किया जाएगा तो वाणी सिद्ध होगी, उसके साथ रियाज, उसके उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह को समझना अति आवश्यक होता है, कंठ से कैसे ध्वनि निकलनी चाहिए, कैसे लय, कैसे राग, तो इन चीजों का महत्व है। और जब वो चीज नहीं होगी, जैसे आप लीजिए कोई क्लासिकल म्यूजिक है जो कथक या नृत्य है, या मतलब गायन की विद्या में जो राग होते हैं अलग अलग, वो राग अपने आप में बताते हैं, तो गुरु जब उसके आरोह अवरोह को खुद कह के बताता है, बेटा ऐसे कहना चाहिए। अब मान लीजिए कोई गाना है, मैं आपके सामने कौन सा गाना कहूँ, मुझे तो कुछ गाने वाने आते नहीं हैं, तो कोई कोई चीज है, कविता है या कुछ भी है, एक विशिष्ट उच्चारण जो होता है उसका, उसकी जैसे अभी आजकल कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, कुछ लोग कराते हैं कॉन्टेस्ट, तो पुराने गीतों का जो लोग या नए गीतों का हूबहू गायन कर देते हैं, उनको विनर बनाया जाता है और इनाम की राशि 25-25 लाख तक होती है। तो उसमें क्या होता है, फिर वहां पर 4-5 जजेज बैठे होते हैं जो पुराने संगीतकार होते हैं, वो देखते हैं कि तुम्हारे जो गा रहे हो उसमें आपका इस जगह कमी है, इस जगह कमी है, क्या है, बिल्कुल वैसे ही मंत्रात्मक जो मंत्र है वो अपने आप में एक विज्ञान है और वो किताब में पढ़ करके नहीं मिल सकता, न किताब में पढ़ के मिल सकता है और ना ही ऐसे उलझुल बातों से मिल सकता है। क्रियात्मक ज्ञान है, अगर उसका सदुपयोग करना है, सही करना है, तो जब गुरु समझ लेता है कि नहीं व्यक्ति योग्य है और ये अच्छे हृदय का है तो उसको बताता है। और जैसे एक मंत्र मुग्ध हो जाते हैं आप किसी गाने को, जैसे एक बताएं आपको, एक फिल्म आई थी नदिया के पार, और एक फिल्म आई थी बाद में मैंने प्यार किया या जो कुछ ऐसे कुछ आई थी, उसके गाने बड़े प्रसिद्ध हुए, उसकी कहानी बड़ी प्रसिद्ध हुई, और तो पटकथा चित्रांकन का और इन सब चीजों का
क्यों लोग हजारों लोग लाखों लोग पागल हुए, क्यों कोई कोई एक एक फिल्म को 300 बार देख रहा है, कोई कह रहा है कि मैं 500 बार वो फिल्म देखने गया, क्यों गए? तो ये सफलता थी उस धुन बनाने वाले की, उस कलाकार की, कि आप बराबर वो गाना सुनना चाहते हैं, बार बार वो सुनना चाहते हैं, आपको उससे रस टपकता हुआ लगता है और आपका अंतस्थल उससे बहुत ही आकर्षित होता है। ऐसे ही जब आप मंत्र का जप करते हैं और उस ध्वन्यात्मक स्वरूप में अच्छे तरीके से करते हैं, ब्रह्मांड हिल जाता है, क्योंकि ये जो मंत्र होते हैं ब्रह्मांड से उत्पन्न है और ब्रह्मांड हिलता है, पूरे ब्रह्मांड में गूंजते हैं और उस देवी या देवता को मजबूर कर देते हैं आपके पास बार बार आने को। ये सिद्धांत है मंत्रों का। ऐसे मंत्र सिद्ध होते हैं। प्राचीन काल में गुरु शुक्राचार्य जी थे, गुरु विश्वामित्र जी थे, गुरु बृहस्पति जी थे, और भी कई गुरु हुए हैं जिन्होंने सफल साधनाएं दी लोगों को, और उनको करके जिसने भी किया निहाल हो गया। जिसने भी किया, नारद जी ने तो एक छोटे से बच्चे को, 5 साल के बच्चे ध्रुव को विष्णु का मंत्र दिया और उस छोटे बच्चे ने पूर्ण विधि विधान से उस मंत्र का अनुष्ठान किया, भगवान को आना पड़ा, साक्षी है इतिहास इसका। मित्रों, अगर करना चाहते हैं कोई सफल साधना, मेरा तो यही मत है कि आइए वृंदावन शिविर में, आपका स्वागत है। और ये कोई मार्केटिंग नहीं हो रही है कि मैं अपने यहाँ बुलाने के लिए मरा जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। है ये, अगर आपकी आवश्यकता है तो आइए, वरना हम तो वैसे भी तीर्थाटन के लिए जाते हैं, वैसे भी जाते हैं, हमें क्या दिक्कत है। हम अपना दूसरा काम भी तो कर रहे हैं, हमारा अपना एक अखबार चल रहा है, हमारा और भी सब कार्य चल रहे हैं, हमें वो कुछ नहीं है। हमें तो बस ये है कि अगर ये चीज पुनर्स्थापित हो तो इस भारत को वो गौरव दिला सकूं मैं जो कि प्राचीन काल में था, और वो गौरव आ सकता है हमारे जो सच्चे साधक मित्र आएंगे, सच्चे लोग मिलेंगे, और ऐसा कुछ होगा। मैं 1000 गधों की फौज नहीं चाहता हूं, मैं 100 या 50 अच्छे नस्ल के घोड़ों की फौज चाहता हूं, तब मुझे जीत प्राप्त होगी, तब हमारी सेना को जीत प्राप्त होगी। ये सेना ही कही जाएगी। आध्यात्मिक पथ में आने वाला हर व्यक्ति जूझता है अपने आप से, काल की गति को रोकने की उसमें क्षमता होती है, इसलिए वो महान होता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, और बुधवार को मैं लाइव आ रहा हूँ 6 बजे, देखना ना भूलें। इस बार मुझे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर लाइव मिलने चाहिए, वो इसलिए क्योंकि लाइव में जब आते हैं तुरंत आपके सवालों का जवाब देते हैं, और अगर आप ना भी पूछें तो कोई न कोई आपके प्रश्न को पूछ लेता है और उसके उत्तर को सुन करके आप भी अपने आप बिना पूछे आपको उत्तर प्राप्त हो जाता है और मुझसे जुड़ते हैं। जुड़े रहिए इसी प्रकार से। नमस्कार।